गोंडा में सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के शादी से इनकार किए जाने के बाद खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। आग लगने के बाद जो सामने आता गया उसको भी पकड़कर सिरफिरा आशिक झुलसाता चला गया। इसके साथ ही जिस लड़की के साथ आशिक एक तरफा प्यार करता था उसको भी अपनी चपेट में लेते हुए झुलसा दिया। इस सनसनीखेज वारदात में जहां सिरफिरे आशिक की मौत हो गई जबकि लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। दोनों को बचाने के चक्कर में लड़की के माता पिता और भाई भी झुलस कर घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रात में हम लोग सो रहे थे, गहरी नींद में थे और एक लड़का हमारे लड़के के साथ, उसका मतलब दोस्ती थी, लखनऊ का रहने वाला था, तो वो भी लड़का मतलब हमारा चला आया घर। उसके बाद वो भी पीछे पीछे वो भी चला आया, मतलब बिना बताए हुए किसी के वैसे घर पहुंच गया हमारे। तो हमने उसको कहा भैया तुम कैसे यहाँ आ गए, तो बोला कि हम दो घंटे के लिए आए हैं किसी के साथ में, अभी हम चले जाएंगे। वो नहीं गया, रात में रुक गया। सुबह उसको हमने भिजवा दिया वापस लखनऊ। एक दिन लखनऊ रहा, दूसरे दिन वो रात में आ करके यहाँ आग लगा के और सभी को पकड़ पकड़ के जला रहा था। सब हम लोग बचाने के चक्कर में उसको भी अपने आप को जला लिया। चार किशोर पुत्र श्री मुरारीलाल जो सलेमपुर भटासा जनपद फर्रुखाबाद का निवासी है, इसकी महेश सनाफ रामनाथ निवासी अचल नगर थाना मोतीगंज जनपद गोंडा से काफ़ी दिनों से दोस्ती थी। दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में रहकर काम करते थे। विमल किशोर महेश की बहन से शादी करना चाह रहा था, इसके लिए दिनांक 13 मई 2022 को विमल किशोर महेश के घर रात्रि में आया था और शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे युवती और उसके परिजनों द्वारा शादी के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। इस पर क्षुब्ध होकर विमल किशोर द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया गया, जिसमें महेश और उसके माता पिता द्वारा बचाने के दौरान वो भी घायल हो गए और विमल किशोर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना कोतवाली नगर द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई थाना मोतीगंज में। बता दें कि अचलपुर गांव के कोटेदार रामनाथ की बेटी नंदनी और बेटा लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इन्हीं के साथ में फर्रुखाबाद का रहने वाला विमल कुमार भी पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच विमल को नंदनी से प्यार हो गया। एक तरफा प्यार में पागल विमल शनिवार को नंदनी के घर जा पहुंचा और शादी करने की जिद करने लगा। जब नंदिनी ने शादी से इनकार किया तो गुस्से से पागल होकर विमल ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। उसके बाद फिर क्या था, जो भी उसे बचाने के लिए सामने आता गया उसको भी सिरफिरे आशिक ने पकड़ लिया, जिसे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वारदात में विमल और नंदिनी के माता पिता और भाई भी झुलसकर घायल हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा भी प्यार की क्या सनक जो अपनी ही जान लेने के लिए आमदा रहे। ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है जो ऐसे जान देकर कीमत चुकानी पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।